वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। रातों रात अवैध तरीके से मजार बना दी जाती है, रातों रात अवैध तरीके से मस्जिद खड़ी हो जाती है, जहां पर लोग कुछ रात पहले या फिर कुछ मिनट पहले चलकर गए होते हैं, वहां पर वो वापस आकर देखते हैं कि हरी सी चादर बिछाई रहती है और उस पर कुछ मुस्लिम लोग यहां पर अल्लाह को याद करते रहते हैं। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं यहां पर मजार है अल्लाह की, हम यहां की अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन अब इन सबके खिलाफ भी कानून सख्त होता जा रहा है और लोग भी जागरूक हो रहे हैं। जहां भी ऐसे अवैध तरीके से मजार और मस्जिद बने हैं, वहां से आए दिन खबरें या फिर सोशल मीडिया पर तस्वीर सामने आती है कि उस पर या तो बुलडोजर चल गया या फिर जो जागरूक नागरिक हैं, जो आम लोग हैं, उन्हीं लोगों ने मजार को तोड़ दिया। लेकिन यहां मामला कुछ और है। यहां पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई जा रही थी और जब इसका विरोध हुआ, जब इसको रोकने की कोशिश की गई, तो मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। कई बीजेपी नेता भी इसमें घायल हुए हैं। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थित बंदी आतकुर में मुस्लिम भीड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। शनिवार की इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। इस दौरान श्रीशैलम के भाजपा नेता बुड्ढा श्रीकांत रेड्डी भी मौके पर मौजूद थे। इस हमले में कई भाजपा नेता घायल हुए हैं। आपको बता दें, भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी वाई सत्यकुमार ने बताया कि एक अवैध मस्जिद के निर्माण का विरोध करने पर इस घटना का अंजाम दिया गया। आंध्र प्रदेश भाजपा के जनरल सेक्रेटरी विश्वधर रेड्डी ने भी इस घटना पर बयान जारी किया है। उन्होंने बताया है कि आंध्र प्रदेश के डीजीपी का वही कहना है कि कुरनूल में कुछ लोग हिंसा भड़काना चाहते थे। उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर लोगों का भड़काने वाले खिलाफ पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। उन्होंने एसपी को कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। भाजपा का कहना है कि पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीकांत रेड्डी की हत्या का प्रयास किया गया। पद्मश्री स्कूल के पीछे मस्जिद के निर्माण पर हिंदुओं और मुस्लिमों में भी संघर्ष हुआ है। मुस्लिम समूह ने पुलिस थाने का भी घेराव किया और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला बोला। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। अभी भी इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मतलब साफ है कि जिस तरीके से एक तो ये अवैध तरीके से मजार और मस्जिद बनाएंगे, जब इसका विरोध करने हिंदू पहुंचेंगे या फिर उन्हें समझाने पहुंचेंगे, तो ये इनके कट्टरपंथियों में तगड़ी मिर्ची लग जाती है और वापस ये हमला करने लगते हैं। मतलब इनकी आप हिमाकत देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ रही। अगर इन्हें जल्दी नहीं रोका जाएगा तो आप गली मोहल्ले हर जगह अवैध मस्जिद और अवैध ऐसे निर्माण ज़रूर देखेंगे। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।